श्री करतारपुर साहब 74 साल बाद अपने भरा दे नाल मुलाकात करके वापस परते खान दे घर है। पीटीसी न्यूज़ की टीम पहुंची। देश के बंटवारे समय भारत अते पाकिस्तान च वस गए दोहें विछड़े भरावां की मुलाकात किवें संभव हो पाई, असी सिक्का खान तो यह जानने की कोशिश की। सुनते हैं की है उन्होंने हड बीती। एक मिनट की दूरी कर रहे हैं भरा। किन्ने साल लाते इन्ना सफर जरा एक बॉर्डर ने दो भरावान मिलने के पिछले साल इन्हों की मुलाकात तो बाद भी दो साल का टाइम लग गया इन्होंने भरावान गल बखरी पहुंच जब्बी पहुंच अज सामने वेखो जी ता पछाण लिया बाबे ने। 17 साल कोई नी हजे भी जमाना कठे हो गए। देश की आजादी समय देश के हुए वंड का संताप जिथे पूरे देशवासियों ने हंडाया उत्ते ही पंजाब वासियों ने यह संताप बहुत ही बुरे तरीके नाल हंडाया, जिस विच पंजाब दे बहुते परिवार जां तां उधर रह गए जां उधरले परिवार इधर आके बिछड़ गए। इसे दी इक्को ही निशानी इस टाइम फुले वाले विच मौजूद है, जो कि सिक्का खान। सिक्का खान 75 साल पहला देश की वंड समय आपके भरा नालों बिछड़ गए और इन्हों की माता का भी देहांत हो गया, तो सारा ही परिवार इन्हों का खत्म हो गया। कुछ दिन पहला आपके परिवार नाल मिलन का सौभाग्य मिला। श्री करतारपुर साहब लांघे बिच ही गए और उत्थे जाके अपने परिवार नूं मिली। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੁੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी चढ़ी है भी मैं आपके जावड़ा लाने विच जवाकों ना गल्लां करा, उन्हां ना गल्लां करा, मैं आपके भरा ना गल्लां करा। खुशी ज़्यादा है भी मेरा धन्नवाद लग जाए। मैं गौरां इन्हां सरकारां नूं कहना भी सारे मिलन। जब तुसी पहली बार अपने भरा नूं 75 साल बाद जाके हुण मिले हो तां तुहाडे भरा ने तुहाडे वास्ते की कहा? साडा रोण निकल गया दोनां दा। बहुत ही असीं फिर भी खुशी मनाई भी चल आ भी जी इकट्ठे हो गए भी रब ने अपना फिर भी मेल करा दिता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਜਾਣੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡੂ ਆ ਜੀ ਜਗਰਾਓਂ, ਉਹ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ,
उन्होंने जो वीडियो देखता तो वो कितने ये भाई की वीडियो आ गई वो उन्हें जानी साडे पिंड का नाँ लिया भी मेरे नानके सी फूले वाले भी मेरा भाई उत्थे रह गया एक वो वीडियो देख के ही नासर ढिल्लों नूं फोन ला लिया। नासर ढिल्लों नूं मैं जो दसा मैं कहा जी तुसीं वीडियो पाई आ भी वह सीका खान साडे पिंड हैगा वह कहिंदे भी गलबात करवाओ। फिर इन्हां नाल नासर ढिल्लों नाल इन्हां दी गलबात होई जी। फिर उन्होंने जानी इन्हां दे घरे जाके तो वट्सएप से यदी गलबात करवाई जी। तो फिर उदो लॉकडाउन लग गया जी उदू बाद फिर हूँ जाके मिलने का सबब बनया जी। हूँ असी फिर करतारपुर कोलीडोर राही इन्हों उ मुलाकात करवाई जी। उन्होंने ले जाके साडे पिंड दे 13 जने सीगे असी 12 जने होर सी एक ये सीगा जी। उत्थे जाके फिर इन्हों का मेल मिलाप कराया जी ये भाई न कोई नहीं हजे भी जमाना इत्थे हो गए।